दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8 अंक के जातकों का 2025 वाला वर्ष कैसा रहेगा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिसकी जन्म तारीख 8 हो, 17 हो, 26 हो, इनका ड्राइवर अंक 8 बनता है। 8 अंक का स्वामी शनिदेव, शनिदेव जिन्हें कर्म के देवता और न्यायाधीश कहा जाता है। शनि का मतलब होता है कर्म करने वाला, जो भाग्य पे बिल्कुल डिपेंड ना रहने वाला, हार्ड वर्किंग करने वाला उनको। और शनि के देव हैं शनिदेव। 2025 2+0+2+5 टोटल 9 अंक, यानी मंगल आराध्य देव हनुमान जी। तो हनुमान जी और शनि देव का साथ मिलने वाला है। तो शनि देव जी भी हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे। तो यह साल मंगल के कारण हार्ड वर्किंग वाला साल रहेगा। वैसे भी शनि कर्म प्रधान होते हैं, हार्ड वर्किंग करने के लिए जाने जाते हैं, और मंगल का साथ मिलने के बाद यह साल और भी मेहनत करा के अच्छे रिजल्ट देने वाला साल रहेगा। ये साल 8 अंक के जातकों में सेहत में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस अंक के जातकों का सेहत तो थोड़ा खराब रहने वाला है। ऑपरेशन संबंधी समस्याएं या चोट लगने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट करने से आप बचे, हार्ड वर्किंग वाला काम करें। अगर आप रियल इस्टेट, फाइनेंस सेक्टर से, लॉ सेक्टर से और मार्केटिंग के सेक्टर से, रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी के फील्ड से, क्योंकि प्रॉपर्टी का फील्ड में 2-5-8 देखा जाता है और 2025 में 2-5 आपको गिफ्ट में मिल रहा है। तो इस अंक के 8 अंक के जातकों के लिए 2025 खास करके रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के काम के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो या आपकी ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है और पिछले साल बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं या नया ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं या आप हार्डवेयर के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 8 अंक के बच्चे अगर गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, यूपीएससी ट्रैक करना चाहते हैं या बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। जो बच्चों के बोर्ड्स रिजल्ट रहेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। साल एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु शनि कर्म और मेहनत के लिए जाने जाते हैं और मंगल भी कर्म के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए जाना जाता है। तो इस साल आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी पर आपका लक भी ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि शनि देव हनुमान जी को बहुत मानते हैं, उनको अपना आराध्य की तरह मानते हैं। अगर आप एक कहानी जानते होंगे कि जब समुद्र पार करके हनुमान जी लंका गए थे और लंका को जलाना शुरू किए, तब वह वहां रावण ने शनि देव को बंधक बना के रखा था, तब हनुमान जी ने शनि देव को वहां से मुक्त कराया। तो सोने की लंका
बिल्कुल जल नहीं सकती है। तो सनी जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं यहाँ पे अपनी कुदृष्टि डालता हूं तो लंका जल जाएगी, तो हन और लोगों को यह पता चलेगा कि यह काम आपने किया। तो हनुमान जी ने सनी देव को बंधक से मुक्त किया और सनी देव ने अपनी कुदृष्टि डालकर लंका को जला दिया, तो और नाम हनुमान जी का हुआ। तो यह साल हनुमान जी और सनी देव का साल रहेगा, इसलिए 8 अंक के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर 8 अंक के जातक को सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान देना है वो सेहत पर ध्यान देना है। आपको गाड़ी बिल्कुल धीरे चलानी है, सीढ़ी पे बिल्कुल धीरे धीरे उतरना है, हार्ड वर्किंग करना है, परंतु अपने सेहत का पूरा ध्यान देकर, क्योंकि बीमार रहना और चोट लगना दोनों की संभावनाएं इस साल आपके लिए बन रही है। तो आपको अपने खान पान पे तो बिल्कुल ध्यान देना है, परहेज वाला भोजन आपको पूरे साल करना है, मसालेदार स्पाइसी भोजन से आपको बचना है, क्योंकि सर्जरी होने की संभावनाएं आपकी प्रबल है। 8 अंक के जातकों को यह साल कौन से उपाय करें कि आपके लिए और अच्छा रहेगा, तो इस साल आप शनि देव की आराधना करें। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, और अपने घर में, दुकान में, फैक्ट्री में या आसपास काम करने वाले मजदूर को बिल्कुल ना सताएं, उनका सैलरी बिल्कुल ना रोके, उन्हें कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे और उन्हें हेल्प करें। जितना ज्यादा आप मजदूरों को, विकलांगों को और असहाय व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे उतना ही साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाले 2025 नौ वर्ष की हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि 25 आपके लिए खुशियों से भरा रहे। हर हर महादेव।